हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल आप लोगों को सॉल्ट रेट के बारे में बताया था। हालांकि दो दिन हो गए, दो लेक्चर हो चुके हैं सॉल्ट रेट के बारे में, ठीक है ना। आगे का लेक्चर है वो भी सॉल्ट रेट के बारे में, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, ठीक है। बट आज हम कोशिश करेंगे कि सॉल्ट रेट वाला टॉपिक कंप्लीट कर दें, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। तो अब हमें क्या दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट ऑपरेटर्स। अब एक चीज याद रखना, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब चीज, लेकिन सब चीज होती अलग अलग है, लेकिन रहती एक जैसी होती, अलग अलग रहती। जैसे प्रॉफिट और लॉस, मैंने आपको बोला था कि सिक्के के दो पहलू हैं, कब कौन सा आ जाएगा भरोसा नहीं रहता। तो यहाँ पर भी वही, अगर एक ही चीज से अगर कोई प्रॉफिट बता रहा है तो उसी से नुकसान भी है, उसी से प्रॉफिट भी है और उसी से नुकसान भी है। जैसे हम बोल सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल व्यक्ति का वो हो गया, ठीक है ना। तो यही एडवांटेज भी होगा, यही डिसएडवांटेज भी होगा, यही कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी। तो मैं तीनों में अगर लिखता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मैं पहला पॉइंट ले लेता हूँ सिंगल पर्सन, ठीक है। तो पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक्स में फायदा मेरे लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरा फायदा क्या भैया, मुझे किसी की नहीं सुनना है, मुझे किसी की नहीं सुनना, मुझे मेरे अंदर की जो बात है वही करनी है, मेरे मन का जो बिजनेस में करना है वो करूँगा, मुझे ये लाना है वो लाना है, मुझे बिजनेस बड़ा करना है छोटा करना है, ये सारे ऊपर मेरे ऊपर आता है, ठीक है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब एडवांटेज की बात करते हैं, तो एडवांटेज में क्या हो जाएगा, वही फायदा, अकेला व्यक्ति हूं ना मैं, तो अकेले व्यक्ति के क्या फायदे होगा कि यार भैया खुद का बिजनेस है, जब स्टार्ट करने की इच्छा होगी तब स्टार्ट करूंगा, जब बंद करने की होगी बंद करूंगा, ठीक है। मुझे जैसा बिजनेस चलाना मैं चला सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर कोई है नहीं, ना मेरे पास में कोई है ना कुछ नहीं, सारा बिजनेस का दारमदार मेरे ऊपर, मैं कैसे भी उसका यूज कर सकता। अब डिसएडवांटेज में आ जाते हैं, तो डिसएडवांटेज ही हो जाएगा क्या, सिंगल व्यक्ति वाले ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें ये हो जाएगा क्या, एक व्यक्ति रहेगा तो वो सारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता है, वो अपनी कैपिटल नहीं लगा सकता है, तो ऐसे क्या होगा, पॉइंट अलग अलग हो गए, नाम एक ही सिंगल व्यक्ति, ठीक है। बट तीनों को पढ़ेंगे तीनों अलग अलग हो जाते हैं, बट हम बुक के हिसाब से पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको पेज नंबर इंग्लिश मीडियम के बुक में पेज नंबर 36 और हिंदी मीडियम के बुक में पेज नंबर 40, 40 नंबर पेज पे हिंदी मीडियम में और 36 नंबर के पेज पर इंग्लिश मीडियम में आपको बिजनेस स्टडी के ये मिल जाएगा, ठीक है ना टॉपिक। अब हम आगे पढ़ते हैं, फर्स्ट सिंगल ओनरशिप। अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ नॉन वन मैन शो, इट इज अ ऑन बाय अ इंडिविजुअल, ही ओन्स ऑल द प्रॉपर्टी एंड असेट्स ऑफ द कंसर्न, ही प्रोवाइड द रिक्वायर्ड कैपिटल। एकांकी स्वामित्व साहस, एकांकी व्यापार में व्यापार का स्वामी एक ही होता है तथा यह व्यापार के समस्त कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। व्यापार प्रारंभ करने से व्यापार के अंत तक सभी व्यवस्था वह ही करता है। व्यापार में होने वाले लाभ उसे ही मिलते हैं, जो हानि पर उस हानि होने पर उस हानि को भी भरनी पड़ती है। अब बनी बात है सिंगल ओनरशिप का, सिंगल ओनरशिप, एकांकी स्वामित्व, अब एक ही व्यक्ति, ठीक है। बिजनेस में लॉस हो प्रॉफिट हो किसको देखना है, उस व्यक्ति को, ठीक है। ये हमारा एक फायदा हो गया क्या, बिजनेस में प्रो फायदा यही है कि अगर पूरा प्रॉफिट होता है तो फायदा हमारा तो वही अकेले को मिलना है। हमने साल भर में 1,00,000 रुपये कमाए, 10,00,000 कमाए, 1 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, किसको मिलना, अकेले व्यक्ति को, ये फायदा हो गया। बट अगर डिसएडवांटेज में चले जाए तो नुकसान भी हमारा, अगर लॉस हो गया बिजनेस में तो भैया वो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की सारी जिम्मेदारी कौन की हो जाएगी, इन भाई साहब, इन भाई साहब की हो गए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज के अगर फायदे दूसरी चीज के क्या हमारे नुकसान भी हो गए। आप सिंगल ओनरशिप को कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है ना, लक्षण एवं विशेषताएं, लाभ और हानि सब में लिख सकते हो, ठीक है, तीनों में लिख सकते हो। बट एक चीज याद रखना, एडवांटेज में फायदे लिखने और डिसएडवांटेज में घाटे लिखने, वरना उल्टा कर दो आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हमें, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, देयर इज अ नो स्पेशल लीगलाइजेशन फॉर अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन एंड क्लोजिंग ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न।
वैज्ञानिक शिष्टाचारों से मुक्त, एकांत के व्यापार को प्रारंभ करने में किसी भी प्रकार का वैधानिक प्रतिबंध लागू नहीं होता है। इस प्रकार के व्यापार को कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रारंभ कर सकता है। हाँ, केवल व्यापार करने वाले व्यक्ति में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए तथा व्यापार में वैध होना चाहिए। यदि किसी व्यापार के लिए सरकारी आज्ञा लेना आवश्यक हो तो फिर उसके लिए शासकीय अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होता है। आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप सिंगल हो, तो आप कभी भी कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन या फिर स्पेशल तरीके से कोई ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है, कि नहीं यार आप सिंगल बिजनेस कर रहे हो तो ये आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वो लगेंगे, नहीं कोई जरूरी नहीं। आप नॉर्मल तरीके से अपने बिजनेस का अगर दुकान है तो आप जो लाइसेंस वगैरह बनते हैं वो बनवा लीजिए, ठीक है ना। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कुछ, बट आप स्पेशल काम करते हैं, ठीक है, कोई अलग से बिजनेस कर रहे हैं जिसकी गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी है, ठीक है, जैसे आप हथियार वगैरह की शॉप डाली है आपने, ठीक है ना, आप कुछ अदर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काम है का आपका, तो उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं हम बड़ी चीज़ें बनाते हैं, मशीनरी का काम है का हमारा, केमिकल्स फैक्ट्री हैंगी, एल्कोहल हो गए, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन। बाकी नॉर्मली आप अपना बिजनेस कर सकते हो, गवर्नमेंट की उसमें कोई रोक टोक नहीं रहती है। फिर अलिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, एकांकी प्रबंध, व्यापार का संचालन और प्रबंध प्राय एकांकी व्यापारी स्वयं भी करता है तथा व्यापार का प्रबंधकारी एवं मैनेजर भी वही रहता है। इस प्रकार प्रबंध की सारी बागत को एकांकी स्वामी अधीन रहती है। वही वापिस सारे पॉइंट, ठीक है, चीजें वही देते हैं, सिर्फ घुमा फिरा के देते। अब उसने क्या दिया है कि यार एक ही व्यक्ति है, ठीक है, तो मैनेजर भी वही हुआ, ऑनर भी वही हुआ, सुपरवाइजर भी वही हुआ, ठीक है, सारे व्यक्ति का होगा वो अकेला हो गया। अब अकेला व्यक्ति क्या करेगा, बिजनेस का प्रॉफिट भी देखेगा, ठीक है, मालिक का काम क्या होता है, प्रॉफिट देखना, मैनेजर का काम क्या होता है, उस काम को कंप्लीट करवाना, सुपरवाइजर का काम क्या होता है, अपने आंखों के सामने काम करवाना, ठीक है, तो ये सारे काम कौन करेगा, वो अकेला है। हमारा फायदा भी है कि भैया कौन सा वर्कर कैसा काम कर रहा है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, कितना का टाइम लग रहा, सारी डिटेल उस व्यक्ति को खुद को पता रहे, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, क्या मैनेजर उससे पूछूं, सुपरवाइजर ने एक सिंगल दुकान है कि सारी डिटेल मेरे को पता ही है ना, बड़ा बिजनेस ही नहीं मेरा छोटा सा आएगा, भाई सारी डिटेल खुद के पास है, कौन कितने वर्कर कितने काम करता है कितने नहीं करता सारी जानकारी, ये फायदा हमारा। नेक्स्ट दिया गया है मोनोपोली ऑफ कैपिटल, व्यवसाय व व्यवसाय की एकरूपता। अब एक व्यक्ति होना मैडम, ठीक है, वो कितनी फैक्ट्री चला सकता है, बनी बात है, वो एक ही फैक्ट्री चला सकता है, अकेला व्यक्ति है तो वो हाँ खोल बहुत सारी फैक्ट्री चला सकता है लेकिन चला नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसको वहाँ पर चलाने के लिए अदर व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, वो पार्टनर हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, यहाँ पर हम एकांकी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उनके टॉपिक नहीं लेंगे, कोई भी एक व्यक्ति है कहाँ कहाँ जा सकता है, बनी बात है, कहाँ जाएगा, अपनी शॉप पे रहेगा, ऑफिस संभाल सकता है, फैक्ट्री संभाल सकता है, एक जगह कुछ भी सर, ठीक है ना, चलो ठीक है दो जगह भी होगी, बट अगर वो कहीं दूसरी जगह जाएगा तो एक तो किसी को संभाल लेंगे तो काम दे के जाना पड़ेगा उसे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ आप ये मेरा काम संभालो, उसको मैनेजर रखने पड़ेंगे, सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे, सब चीज़ करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर अकेले व्यक्ति की एक दुकान की बात कर रहे हैं, उनकी एक दुकान में अगर अकेला व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति है, तो उसी को सारे लोग देखने पड़ेंगे, अगर वो दो फैक्ट्री भी चलाता है, शॉप भी चलाता है, ठीक है, तो उसको क्या रहेगा, सब चीज़ की जानकारी रहेगी, क्यों, फैक्ट्री भी उसी को देखना है, सेलिंग का काम भी उसी को देखना है, दुकान भी उसी को देखना, सारे काम उसी को देखने, तो सारी जानकारी उसके अंडर रहेगी कि नहीं यार मैंने आज ये करा था, मैंने वो करा था, मेरे को ये करना है, मेरे को ऑर्डर यहाँ से मिला है, ये पूरा करना रहेगा, ठीक है ना, मशीन खराब हो गई, रिपेयरिंग करवानी, तो सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति लाइफ की जरूर पड़ी है, बट सारा टेंशन ही हटी आती है, उसको बोल दिया वो बोल गया था, उसने उसको बोला वो बोल गया था, नहीं आपके पास काम है आपको ही करना है, ठीक है, परेशानी हो प्रॉब्लम हो तो भी आपको सॉल्व करना है और अच्छे काम हो तो भी आपको उसको शामिल होना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। अब यहाँ पर क्या होता है कि शेयरिंग में प्रॉफिट एंड रिस्क नहीं करना पड़ता, पहली बात है कि अकेला व्यक्ति है तो सारा प्रॉफिट किसका, उसी का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो भैया लॉस किसका, उसी का, रिस्क उठाएगा कौन, वो, तो प्रॉफिट भी कमाएगा कौन, वही व्यक्ति, तो यहाँ पर अदर किसी का कोई काम ही नहीं, प्रॉफिट होगा तो भी उसी का, लॉस होगा तो भी उसी का, ठीक है ना। अब हम एडवांटेज पर आ जाते हैं, एडवांटेज में दिए गए हैं
इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आप आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और बंद कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। मैं अगर बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने कोई शॉप डाली है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं उसको कंटिन्यू चलाऊंगा, ठीक है। मैंने शॉप डाली, मेरे पास कैपिटल थी, मेरे पास जो सामान था मैंने लगा के डाला, ठीक है, मेरी दुकान अच्छी चलती है, आगे बढ़ाऊंगा, प्रॉफिट होता है तो आगे बढ़ाऊंगा, लॉस होगा तो कुछ टाइम चला के बंद कर दूंगा या फिर उसी समय बंद कर दूंगा। मतलब मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि मैं चलाऊं या नहीं चलाऊं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है तो मैं काम करना करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दिया है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं कि यार मेरे को कौन सा बिजनेस करना है मुझे मालूम, मैं किसी से क्यों पूछूं। मुझे कपड़े का व्यापार करना है, मैं कपड़े का करूँगा, ठीक है ना। मुझे अगर किसी चीज का करना है मैं उसका करूँगा, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कोई पार्टनर है क्या? नहीं है ना, मैं फैमिली से जुड़ा, मैं अकेला हूँ ना, मैं अकेला कोई सा भी बिजनेस करूँ तो मुझे किसी से कोई कुछ नहीं। मैं कोई सा भी बिजनेस आराम से चूज कर सकता हूँ, मैं कपड़े का करना है, किराने का करना है, पानी की रोटी डालनी है, होटल डालना है, रेस्टोरेंट डालना, कुछ भी डालना, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिया है सिलेक्शन, ठीक है। अब भैया आपको अलग से पॉइंट दिया गया है कि शीघ्र निर्णय की स्वतंत्रता, एंड मेन टाइम पे डिसीजन ले लेना, एंड टाइम पे आपको कुछ सोचने समय क्या रहता है कि आप अकेले व्यक्ति हो, ठीक है, आपको फायदा यही रहेगा कि आप सिंगल हो, सबसे बड़ा फायदा यही हुआ हमें कि आप सिंगल हो, ठीक है। आपको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अगर कुछ चीज करनी है, मेरे को दुकान है कि इसको और बड़ी करनी है, ठीक है, तो मुझे जब किसी से पूछने नहीं, कोई मेरे साथ है ही नहीं, मैं अकेला खड़ा हूँ, तो मैं मेरी इच्छा से दुकान बढ़ा तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो दुकान बड़ी कर सकता हूँ, मेरे को चलेगी, ठीक है ना। मेरे को ये समझ में आ रही है कि मेरे पास दो वर्करों की कमी है या पाँच वर्करों को चाहिए, मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है ना, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया तुम आके पड़ोसी दुकान वाले से बोलूँगा तू आके बता मैं क्या करूँ। मेरा बिजनेस है, मैं खुद चला रहा हूँ, अगर प्रॉफिट होगा तो भी मेरा, लॉस होगा तो मेरा, तो मैं किसी से क्यों पूछूँ किसी से, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर। अब पर्सनल कॉन्टेक्ट रहता है आपका कस्टमर से, आपकी दुकान में बैठते हो, अकेले हो तो आपका ही कॉन्टेक्ट रहेगा, ठीक है, उस व्यक्ति से आपका कॉन्टेक्ट, आपका वर्कर लेबर जो काम कर रहे हैं सेल्समैन उनका नहीं रहेगा। आप कपड़े की दुकान चलाते हो, ग्राहक आपके व्यवहार पर आएंगे, ठीक है, आपके बिहेवियर पर आएंगे कि यार बंदे का व्यवहार अच्छा है मैं उसके पास चलता हूँ, तो वो वाली बात सोच जाती है कि आपका डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट होगा उनसे, आप वो कस्टमर को आप जानोगे और आप कस्टमर को जानोगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया है इकोनॉमी ऑफ इफिशिएंसी। यहाँ पर आपको जो भी लागत कॉस्ट लगानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, किसी और पर डिपेंड नहीं करती। आप चाहो तो उसमें एक, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप 1 लाख लगाओ, आपकी कैपेसिटी और अच्छी है तो आप 10 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसी के डिसएडवांटेज कर लेते हैं, तो डिसएडवांटेज में आ जाएंगे हमारे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, असीमित दायित्व। अगर आप एक ही व्यक्ति हो तो आपके दायित्व जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाएगी। भैया दुकान कल भी हमने वही पढ़ा था, ठीक है, कि आपको मॉर्निंग में दुकान भी खोलना है, बंद भी करना, सामान भी लाना, फैक्ट्री भी देखना, सारा काम आपको देखना है, ठीक है, माल बेचना भी, माल खरीदना भी, सारी जिम्मेदारी आपकी है, तो ये चीज़ क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर लिमिटेड कैपिटल, पूंजी सीमित रहती है, बनी बात है कि आप अकेले व्यक्ति होगा, मेरे पास 1 लाख रुपए तो मैं 1 ही लाख लगाऊंगा ना, या फिर मैं लोन ले सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता, 10 लाख है, 10 लाख लगाऊंगा, 1 करोड़ है, जितना मेरे पास होगा उतना ही मैं लगा सकता हूँ। ऋण प्राप्ति में सुविधा, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, ये बोल सकते क्या, हम कहीं से लोन लेते, अगर एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति को लोन मिलना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि छोटा बिजनेस है, बट बड़ा बिजनेस है, पार्टनरशिप में जॉइंट इनकम फैमिली, तो उसके हिसाब से लोन ज़्यादा अमाउंट का मिल जाता है, क्योंकि भैया पता हमको ये नहीं देगा तो 4 व्यक्ति और जिम्मेदारी के लिए बैठे हुए हैं, रिस्क उठाने के लिए बैठे। अब यहाँ पर अकेला व्यक्ति है, नहीं चुका पाया पैसे तो कहाँ से आएगा अमाउंट, वो आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, आपकी जो क्षमता होती है कि बिजनेस चलाने की वो एक लिमिटेड हो जाती है, मतलब आपके पास जितना नॉलेज है आप उसी का यूज़ करोगे, अदर आप कोई नॉलेज यूज नहीं कर सकते होंगे, ठीक है ना। क्या मेरे का 2 व्यक्ति होंगे तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, आधा मेरा हुआ, या फिर मैं अपना पूरा लगाऊंगा, वो अपना पूरा लगाएगा नॉलेज, ठीक है ना, उसको मार्केटिंग का अच्छा है, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा है, तो वो होगा। बट अगर मैं ही दोनों काम करूँगा तो मेरे लॉस भी है,
यार मेरे को मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज है, का मार्केटिंग का है नहीं, तो मैं मार्केटिंग कैसे करूँ? और मुझे मार्केटिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, तो वो कैसे करूँ? मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है कि वही चीज़ हमारी एडवांटेज भी और वही डिसएडवांटेज, ये सिंगल ओनरशिप हमारे लिए एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी, तो आप समझ के भी इसे लिख सकते हो। ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंप्लीट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो कल, ठीक है। आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।